नमस्ते दोस्तों, सानू फ्लेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोल्हापुरी जायका का पनीर कोल्हापुरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। झटपट से कोल्हापुरी मसाले को तैयार कर लेते हैं। एक पैन में डालते हैं थोड़ा सा तेल, तेल गर्म होते ही डालते हैं साबुत धनिया एक बड़ा चम्मच, जीरा एक चम्मच, सौंफ एक चम्मच, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, लौंग 4 से 5, काली मिर्च 6, चक्रफूल 1/4 टुकड़ा, इलायची 2, बड़ी इलायची 1, जावित्री 1/4 टुकड़ा, 2 काश्मीरी मिर्च के साथ मैंने 1 बैडगी मिर्च जो तीखा होता है वो मिक्स किया है। थोड़ा सा रोस्ट कर लें। अब हम इसमें डालते हैं किसी भी सूखा नारियल 2 बड़ा चम्मच, तिल 1 चम्मच, खसखस 1 चम्मच। अब इन सारे चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम में ही रखिए और मसालों को चलाते रहिए। सारे चीज़ों को ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लें। पनीर कोल्हापुरी सब्जी बनाने के लिए एक अलग पैन में तेल को गर्म करें। तेल गर्म होते ही उसमें डालते हैं ग्रेट किया हुआ लहसुन 2 बड़े चम्मच, ग्रेट किया हुआ अदरक 1 चम्मच, सौते कर लें। अब इसमें डालते हैं 4 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज ट्रांसलूसेंट होने तक पकने दें। अब हम इसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से सौते कर लें और ढक कर प्याज टमाटर गलने तक पकने दें। ये कोल्हापुरी मसाला इस तरह से पीस के रेडी है। मैंने यहाँ पे करीबन 4 बड़े चम्मच कोल्हापुरी मसालों को डाला है। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आपके तीखा अनुसार लाल मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लें। मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें डालते हैं 1/2 कप पानी। ग्रेवी के कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मिला लें। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, बड़े टुकड़ों में क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स को ग्रेवी में मिला लें और ऊपर से धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक कर 10 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दें। ये हमारा पनीर कोल्हापुरी की सब्जी बनके रेडी है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार है। इसे आप रोटी पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। मेरे चैनल में कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए। थैंक यू।